जारी किया गया है। 22 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने, जबकि 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। अगले 3 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। बालोद, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, कोरिया, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जबकि बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 11 जिलों के लिए जहां येलो अलर्ट है, वहीं 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तनु वर्मा न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, मॉनसून आ गया है और अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, अगले कितने वक्त के लिए ये अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से मानसून एक्टिविटी जो है वो थमती गई थी और लगभग सभी जिलों में उमस और बेचैनी का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ा है। हालांकि इस दौरान कई जिलों में हल्की मध्यम वर्षा भी हुई है। अब इसीलिए एक राहत भरी वाली खबर है, हालांकि पहले भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 26 जून से मानसून एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है यूं ही बना रहेगा और झमाझम बारिश वाला दौर अभी 1 हफ्ते तक छत्तीसगढ़ में चलेगा। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए प्रदेश के 22 जिलों के लिए जो है अलर्ट जारी किया है, जिसमें 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है और 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल अभी के मौसम की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में अभी से ही तेज हवाएं चलनी जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में माना जा सकता है कि कुछ देर बाद राजधानी रायपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो अगले 1 हफ्ते तक झमाझम बारिश का दौर चल सकता है, हालांकि जो ये अलर्ट है वो अगले 24 घंटे के आसपास के लिए। बहुत शुक्रिया तनु पूरी जानकारी के लिए। और इधर दंतेवाड़ा में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से भी भारी राहत मिली है। ये तस्वीरें दंतेवाड़ा से हैं। लगातार पड़ रही उमस और गर्मी के बीच दंतेवाड़ा के लोगों ने राहत की सांस ली है, जमकर बारिश हुई है, तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। और उधर सूरजपुर में थाने में एसीबी की रेड हुई है। घूस लेते एसआई को गिरफ्तार किया गया, 10,000 की घूस ले रहा था पुलिसकर्मी। पीड़ित से किसी मामले को लेकर घूस ली जा रही थी। रामानुज नगर थाने में तैनात है एसआई माधव सिंह। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। वरुण, रेड तक या क्या सूचना थी जिसके बाद ये एसीबी की रेड हुई? प्रशांत, देखिए ये बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है, क्योंकि जो पीड़ित था उससे खुद थाने का जो विवेचक था एसआई माधव सिंह, उसने पैसे की डिमांड की थी। उसके चलानी कार्रवाई के लिए 30,000 का डिमांड किया था, जिसमें उसने एसीबी से संपर्क किया और जिसके बाद 10,000 की रिश्वत एक दलाल के माध्यम से जब आज दिया वहां पर, तो एसीबी की टीम पहले से तैनात थी और दलाल के माध्यम से जैसे ही एसआई पास वो पैसा पहुंचा है, तत्काल एसीबी ने दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। और जिसके बाद फिलहाल जो है एसीबी की टीम एएसआई से पूरे पूछताछ कर रही है और जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। जी प्रशांत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वरुण, पूरी खबर के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे अब। रायपुर में हिंदू संगठनों का जेल भरो आंदोलन जारी है। बजरंग दल और वीएसपी का आंदोलन, गौ रक्षकों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। रायपुर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हिंदू संगठनों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ये आंदोलन है और इनका आरोप है गौ रक्षकों पर गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कार्रवाई का विरोध बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालात ना बिगड़े इसके मद्देनजर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन है और गौ रक्षकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी इनके जरिए जाहिर की जा रही है। इसी को लेकर जेल भरो आंदोलन इनके जरिए किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और आकाश शुक्ला न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश,
किस तरह की और क्या कार्रवाई हुई जिनको लेकर नाराजगी है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है वो गौ सेवकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, वहीं गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर विहिप और बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी में। प्रदेश स्तरीय बड़ा प्रदर्शन है और नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने पहुंचे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरे प्रदेश भर से जो है वो कार्यकर्ता पहुंचे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, यहाँ पर टोलियां बनाकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और गौ तस्करी जो हो रहा है उसके विरोध में लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सिटी कोतवाली के पास अलग जो बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी है, विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी हैं, वो प्रदर्शन में लगे हुए हैं। इसके आसपास देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता तमाम प्रदेश भर से पहुंचे हैं। बता दें अभी आरंग में घटना हुई थी जिसमें गौ सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में जो है वो गौ सेवकों की गिरफ्तारी हो रही है। इनका कहना है कि प्रशासन को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि गौ तस्करी हो रही है, लगातार गाड़ियां दूसरे राज्यों में जा रही है, गौ माता का तस्करी किया जा रहा है, तो उसके विरोध में जो है ये सीधे तौर पर सड़क पर उतरे हैं। और तमाम विरोध के बीच आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलग अलग तरह से प्रदर्शन नजर आ रहा है, टोलियां बना रहे हैं, यहाँ पर जो टोलियां बनाई गई है वो ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर तख्ती दिखाया जा रहा है कि गौ तस्करी बंद हो। इसके साथ ही देखिए सड़क पर किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पूरी सड़क पर उतरे हुए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं, भगवा ध्वज लेकर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिस बल तैनात है, किसी तरीके से अनहोनी ना हो इसको लेकर दिया जा रहा है। लेकिन इधर जो है बिल्कुल आकाश, अब ये ठीक बात है, गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर गौ तस्करी रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद या फिर जो गौ रक्षक हैं वो कानून अपने हाथ में लेंगे तब क्या स्थिति होगी भाई, एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये आकाश की जेल भरो आंदोलन है, किसी को हिरासत में लिया गया? जी आकाश आवाज पहुंच रही है आप तक, सुन पा रहे हैं आप? जी आकाश, जेल भरो आंदोलन है, किसी को गिरफ्तार किया गया क्या? दूसरा यह है कि अगर गौरक्षक भी कानून हाथ में लेंगे तो क्या एक्शन नहीं होगा उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, पहले जिला स्तर पर इन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि उन पर कार्रवाई की जाए जो गौ तस्करी कर रहे हैं और जो गौ सेवक हैं उनको बेवजह का परेशान नहीं किया जाए, लेकिन प्रशासन किसी तरीके से इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही थी, तो उसको लेकर जेल भरो आंदोलन के करने सीधे तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए और अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। तमाम जो सैकड़ों विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, गौ सेवक हैं, युवा हैं, भगवा ध्वज लेकर पहुंचे हैं और सिटी कोतवाली के सामने सैकड़ों जो गौ सेवक है वो गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो और ये लंबे समय से छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा बना हुआ है, मांग बना हुआ है कि गौ तस्करी पर रोक लगाया जाए, लेकिन किसी तरीके से गौ तस्करी एक बड़ा मसला है और सियासत भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया आकाश पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर में बुलडोजर पर पथराव हुआ है, अतिक्रमण हटा रहे बुलडोजर पर पथराव किया गया है, कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, पुलिस ने मौके से पथराव करने वाले लोगों को खदेड़ा भी है। 6 दिनों से दरअसल अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई चल रही है, बिलासपुर से खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने में लगा अमला और किसी भी मशीन पर पथराव कर दिया गया, बुलडोजर को निशाना बनाया गया। दरअसल अतिक्रमण हटा रहे बुलडोजर पर पथराव कर दिया गया, उसके शीशे भी टूटे हैं, लेकिन पथराव करने वाले लोगों को, उपद्रवियों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। 6 दिनों से दरअसल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कार्रवाई लगातार जारी है लेकिन बीच बीच में ये स्थिति गड़बड़ हो जाती है, पथराव हो गया, किसी कोई घायल तो नहीं हुआ? प्रशांत जी देखिए, आज भी नगर निगम का जो अतिक्रमण दस्ता है वो इसी जगह पर जहां पर अभी मैं मौजूद हूं,
वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंचा था। सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास यहां पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी, तो इस बीच जो यहां पर जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने बुलडोजर पर पथराव कर दिया, जिससे स्थिति ये हुई कि यहां पर भगदड़ मच गया और जो बुलडोजर थी उसको क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं हताहत होने की भी सूचना कुछ लोगों की मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त पुलिस के जवान मौजूद हो जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। सर, क्या घटना घटी थी और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आगे? नहीं, सुबह करीब 11 बजे के आसपास की बात है, वो दो लोग बिजली काटने की बात पर से कुछ वाद विवाद करने लगे और उसी में से भीड़ में से कोई व्यक्ति जेसीबी के ऊपर जो है पत्थर चला दिया, जिससे जेसीबी का कांच टूट गया था। उनको पकड़ के ले जाके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बाकी उसके बाद सामान्य स्थिति है। अभी पिछले 4-5 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है और आज भी कोई स्थिति सामान्य है। ये लगातार विरोध खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने चक्का जाम किया, फिर आज पथराव की स्थिति। आप निगम के अतिक्रमण दस्ता के अधिकारी, क्या क्या परेशानी आ रही है? हम लोग जहाँ भी तोड़फोड़ करते हैं कुछ तो विवाद होते ही है, मगर हमारी कार्रवाई रुकती नहीं, हमारी कार्रवाई लगातार चालू है और लगातार चलेगी जब तक काम पूरा नहीं हो जाए। कितना मकान तोड़ चुके हैं 6 दिनों में? हमें माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से हमने अभी तक 700 मकान तोड़ दिए हैं, अभी करीब 400-500 और बचे हैं, वो भी तोड़े जा रहे हैं। लगभग 1160 मकान बताए? नहीं, अभी तो कई लोगों ने क्या है कि फिर बना लिए झुग्गियां हैं, वो भी सब मिला के करीब 400-500 और तोड़े हैं। प्रशांत जी, लगभग 600 बड़ी परेशानी है। एक तरफ तोड़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ झुग्गियां दोबारा भी बनाई जा रही है। अब ये जरूर ध्यान रखना होगा उमेश कि आखिर एक बार अगर अतिक्रमण हटा दिया जाए तो दोबारा ना हो। उमेश, बिल्कुल निश्चित रूप से, तो इसको ध्यान देने की जरूरत नगर निगम के कर्मचारियों की है कि आखिर जब वो अतिक्रमण हटा रहे हैं उसके बाद वहां पर फिर से दोबारा अतिक्रमण हो रहा है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यही वजह है कि 1160 की जगह में फिर से यहां पर 200-250 ऐसे झुग्गी झोपड़ी बन गए जिनको अब तोड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, पथराव का सामना करना पड़ रहा है। और ये स्थिति इसलिए निर्मित हो रही है कि कहीं ना कहीं नगर निगम ने उस समय की जो उसकी कार्रवाई थी उस पर कमी रही होगी, यही वजह है कि अब इन्हें फिर एक बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी भी अतिक्रमण की जो कार्रवाई आने वाले दिनों तक के चलेगी, हालांकि जिन लोगों को अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, जिनका मकान तोड़ा जा रहा है, उनको विस्थापित भी करने का काम नगर निगम कर रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और खबर भिलाई गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। वारदात में 3 राउंड फायर किए गए थे, गाली गलौज को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, दो आरोपी हिरासत में भी लिए गए, दो आरोपियों की तलाश जारी है, घायलों का रायपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर भिलाई गोलीकांड से जुड़ी हुई, 3 राउंड फायर किए गए थे इस पूरे मामले में और गाली गलौज को लेकर पूरा विवाद हुआ था, दो आरोपी हिरासत में भी लिए गए हैं जबकि दो आरोपियों की अभी भी तलाश जारी है, घायलों का रायपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, पूरा विवाद क्या था? दूसरा यह कि दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मिथिलेश, मिथिलेश आवाज मिल रही है आपको? चलिए मिथिलेश के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको, भिलाई में यह गोलीकांड था और गाली गलौज गोलीकांड की वजह बनी थी। मिथिलेश, अगर आवाज आप तक मिल रही है, पहुंच रही है, तो जो दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, क्या एक्शन ले रही है पुलिस पकड़ने के लिए? देखिए, पुलिस अभी पूरे मामले में जांच कर रही है और दो आरोपी जो फरार हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ने का यह प्रयास किया जा रहा है। यह पूरा मामला भिलाई के ग्लोब चौक में उपजा था, जब दो बाइकों में 6 युवक जो है वो जा रहे थे, 6 से 7 युवक थे, दो अलग अलग बाइकों में, उन्हीं के बीच में ये गाली गलौज का हुआ था। उसी में से किसी ने रिवॉल्वर निकाल कर वहां पर फायर कर दिया, जिससे दो युवक घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, रायपुर मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से गोली की वारदात हुई है, कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर है। पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है, पुलिस ने ये जरूर कहा है कि गोलीकांड तो हुआ है, मामले पे दो आरोपी जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें से एक आदतन अपराधी नाम के किस्म का एक और है, जिसमें का नाम अमित जोश है, उसकी भी तलाश की जा रही है। तो इस पूरे मामले में 4 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जा रहे हैं, 2 फरार हैं जिनको जल्दी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। चलिए शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए।
और खबर जबलपुर से है, जहां बड़ी संख्या में गौवंश के कटे अंग मिले हैं। कटंगी नगर से सटे पहाड़ पर गौवंश के ये कटे अंग मिले हैं। 50 से अधिक गौवंशों के सिर और अन्य अंग दूसरे अंग बरामद हुए हैं। काफी दिन पुराने बताए जा रहे हैं ये गौवंश के अंग। मांस काटने वाली लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कटंगी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। ये बड़ी खबर, अहम खबर है जबलपुर से, जहां एक बार फिर भारी संख्या में गौवंश के कटे अंग बरामद किए गए हैं। कटंगी नगर से सटे पहाड़ में बताया जा रहा है कि ये गौवंश के अंग मिले हैं। 50 से अधिक गौवंश के सिर और दूसरे अंग बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें भी देखिए आप, काफी दिन पुराने हालांकि ये गौवंश के अंग बताए जा रहे हैं। मांस काटने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा भी यहां से बरामद हुआ है और कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं इन गौवंश के अंगों को लेकर। सिर और दूसरे जो अंग के टुकड़े हैं वो बरामद किए गए हैं। कटंगी से जुड़े पहाड़ के पास ये अंग गौवंशों के, और उसके बाद एक बार फिर से अगर हम जिक्र करें तो मामला गर्मा सकता है। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज 18 संवाददाता जबलपुर से। पवन, हाल फिलहाल कुछ दिनों में इसी तरह के मामले सामने आए हैं, अब एक बार फिर से ये गौवंश के अवशेष बरामद हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब के हैं ये, क्या किया गया इनके साथ? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है कटंगी थाना क्षेत्र का है, जबलपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर ये पूरे अवशेष मिले हैं गौवंश के। और जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस के साथ वे वहां पर पहुंचे और जांच की जा रही है। फिलहाल अंगों को बाहर निकलवाकर उनको पोस्टमार्टम के लिए और जांच के लिए भेजा जा रहा है। ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है कि ये कितने दिन पुराने हैं, लेकिन कुछ अंग जो है, कुछ मवेशियों के अंग जो है वो पूरी तरह गल चुके हैं तो कुछ के अभी ताजे हैं, यानी उन पर चमड़ी है अभी, तो फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद में, ये जानकारी सामने आने के बाद में पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस विभाग के आला अफसर तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुए हैं। चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, बेहद संवेदनशील मामला हो चुका है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये अवशेष कब से वहां पर थे और किसने फेंके, क्यों फेंके, ये तमाम सवाल जो है वो अभी जस के तस बने हुए हैं। जी बिल्कुल पवन, मांस को काटने वाला औजार भी बरामद हुआ है, तो क्या फिर मांस की कालाबाजारी की भी कोई आशंका है क्या गौवंशों के? देखिए तमाम तरह की आशंकाएं हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी संख्या में अगर गौवंश के अंग में वहां पर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रबल होती है ये इच्छा क्या जानकारी के वहां पर मवेशियों की तस्करी भी हो सकती है, उनको काटकर उनका मांस, उनके अंगों की तस्करी करना या बेचने का काम भी वहां पर संभव है कि पहाड़ी के सुनसान इलाके में ये सब किया जा रहा होगा। लेकिन जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कर रहे थे और कब से कर रहे थे। बिल्कुल शुक्रिया पवन पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद के सुपेबेड़ा दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री। किडनी रोग से अब तक 140 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। किडनी रोगी प्रेम जय छत्रपाल से मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री। जिले में 200 बिस्तर वाला हॉस्पिटल बनाने की घोषणा भी स्वास्थ्य मंत्री ने की है। रिसर्च यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। जिले में 2 नेफ्रोलॉजिस्ट, 5 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड आज से शुरू हो रहा है। ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर लगातार किडनी की बीमारी से लोगों की जान गई है और अब गरियाबंद के सुपेबेड़ा दौरे पर पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री।